गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो आपका टॉपिक था आवर कंट्री इंडिया, उसमें मैं आप लोगों को लैंडफॉर्म के बारे में टॉपिक जो है उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि जो हमारी भू आकृतियाँ यानी कि जैसे हमारे जो इंडिया कंट्री है उसमें बहुत सारे प्लेन्स है, प्लेटोज है, डेजर्ट है, वैलीज, और इंडिया का जो सरफेस है ना वो बिल्कुल सेम नहीं है हर जगह, तो उनकी ना जो आकृतियाँ हैं, शेप्स हैं, वो चेंज है बहुत जगह पे, ठीक है। तो उन्हें ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे हिली पहाड़ी एरिया होते हैं उनको क्या बोला गया, माउंटेन बोला गया है, ठीक है। जो पठारी एरिया होते हैं यानी कि समतल ऊंचाई पे समतल एरिया, प्लेन एरिया जो होते हैं उसे प्लेटो बोला जाता है, ठीक है। और जहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ही हॉट होता है उसे डेजर्ट बोला जाता है, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताने जा रही हूँ, द सरफेस ऑफ इंडिया इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो इंडिया का सरफेस है यानी कि जो लैंडफॉर्म है, भू आकृति है, वो सेम नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। इट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल लैंडफॉर्म सच एज, और जितने भी लैंडफॉर्म हैं कुछ ऐसे हैं, माउंटेन है, प्लेन है, प्लाटो है, डेजर्ट है, वैली है एंड रिवर्स है, ठीक है। जितने लैंडफॉर्म में भू आकृतियों में ये सब आते हैं, ठीक है। अब आते हैं माउंटेन एंड हिल। सबसे पहले हम माउंटेन और हिल के बारे में समझेंगे कि माउंटेन और हिल क्या है। तो बच्चों, माउंटेन किसे बोला जाता है, पर्वतों को बोला जाता है, ठीक है। और हिल किसे बोला जाता है, पहाड़ियों को बोला जाता है। पर्वत ऊँचे होते हैं और पहाड़ियाँ जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, हाइट में जो पर्वत से कम होती हैं, ठीक है। माउंटेन आर अ ग्रुप ऑफ हिल। माउंटेन क्या है, हिल का यानी कि पहाड़ियों का ग्रुप है एक, ठीक है। राइजिंग क्वाइट हाई अबव द सराउंडिंग लैंड। इन आवर कंट्री वी हैव वेरी हाई माउंटेन। हमारी कंट्री में बहुत सारे हाई माउंटेन यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जैसे कि द हिमालयास इन द नॉर्थ में यानी कि इस साइड में जैसे हिमालय हो गया, ठीक है। जैसे कि ये नॉर्थ साइड है तो नॉर्थ साइड में क्या हो गया, हिमालय हो गया, ये नॉर्थ साइड है पूरा, ठीक है। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और कुछ पर्वत हैं जिनकी जो ऊंचाई है बहुत ही ज़्यादा है, जैसे सच एज माउंट एवरेस्ट, जैसे माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है एंड कंचनजुंगा आर लोकेटेड हेयर, यहाँ पे दिखते हैं। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड लीज इन नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है, ठीक है, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, नेपाल। द टॉलेस्ट हिमालयन माउंटेन पीक इन इंडिया इज माउंट कंचनजुंगा। तो जो हिमालय है, ठीक है, उसकी ऊंचाई इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जिसको हम माउंट कंचनजुंगा के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द पीक ऑफ हिमालयस आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। हिमालय की जो ऊंचाई है वो हमेशा हर समय किससे कवर्ड रहती है, स्नो से कवर्ड रहती है, ठीक है, बर्फ से ढकी रहती है। मैनी रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ETC, ये सब जितने भी रिवर्स हैं यानी कि नदियाँ हैं, ऑर्गेनेट इन द हिमालयस। ये सब जो नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती हैं। दीज रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर बिकॉज, ये जो रिवर्स है ये हमेशा निकलती रहती है इसमें से, ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ स्नो, बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ स्नो, क्योंकि जो स्नो है वो पिघलता रहता है, तो इसीलिए ये जो नदियाँ हैं वो लगातार बहती रहती हैं और इसमें से निकलती रहती हैं। फ्रॉम द माउंटेन द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन सच एज शिमला। सबसे अच्छा हिल स्टेशन, फेमस यानी मशहूर हिल स्टेशन कौन सा है, यानी कि पहाड़ी इलाका कौन सा है, शिमला, ठीक है, डलहौसी, उसके बाद नैनीताल, दार्जिलिंग आर लोकेटेड हेयर, यहाँ पे सबसे अच्छे हिल स्टेशन है। द फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड कुल्लू मनाली आर ऑल्सो सिचुएटेड इन द हिमालय। और फेमस वैली कौन सी है, तो कश्मीर, कुल्लू मनाली, ठीक है, जो हिमालय में सिचुएटेड है यानी कि हिमालय के पास स्थित है। द सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव सम माउंटेन।
जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है, देख ये जो ये नॉर्थ पार्ट है ठीक है, और ये साउथ पार्ट है। साउथ पार्ट में भी कुछ माउंटेन है। दीज माउंटेन आर लोअर इन हाइट एंड आर कॉल्ड हिल। और इनकी जो हाइट है वो माउंटेन से कम है ठीक है, ये हाइट में छोटे हैं ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, हिल्स कहा जाता है, यानी कि पहाड़ियाँ कहे जाते हैं ठीक है। जैसे कि एज द अरावली हिल्स, जैसे कि अरावली हिल्स हो गया इन द सेंट्रल इंडिया, जो कि इंडिया के सेंट्रल में मिड में है ठीक है, साउथ के साइड, और नीलगिरी हिल्स इन द साउथ, और नीलगिरी हिल्स जो है वो साउथ में स्थित है ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही रीडिंग करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को माउंटेन और हिल के बारे में समझाया है। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को प्लेन्स के बारे में पढ़ाऊंगी, तब तक आप लोग इतना रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।